Hey guys, welcome back to Hunan Tech. So, आज की इस वीडियो में मेरे पास है जी iPhone 6s Plus और हम करने जा रहे हैं जी इसका रिव्यू, वो भी 2023 के लिहाज से, क्योंकि 2022 का एंड जा रहा है तो आप इसको 2023 ही कंसीडर करिएगा। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा क्योंकि मैंने इस डिवाइस को तकरीबन 3 ईयर्स यूज़ किया है। 5 ईयर्स ओल्ड ये डिवाइस है और 3 ईयर्स हमने इसको यूज़ कर लिया है, 3 to 4 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली। तो हम चेक करेंगे इसका यूज़र इंटरफेस अब कैसा है और पहले कैसा था एक्सपीरियंस इसका, इस परफॉर्मेंस वाइज, बैटरी वाइज और डिस्प्ले वाइज और एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो। ओके, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आपके साथ, तो वीडियो को जल्दी से करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं जी इसकी लुक की। तो इसकी लुक की बात करते हैं जी, लुक इसकी बहुत ही प्रीमियम लुक है, लेकिन चूँकि अब 2022 चल रहा है तो 2022 के लिहाज से आई थिंक सो थोड़ा सा ओल्ड फैशन हो गया है बिकॉज ऑफ नॉच वगैरह और यू नो डायनामिक आइलैंड और नॉच और फुल डिस्प्ले वगैरह आना शुरू हो गए हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा आउटडेटेड लगता है, लेकिन इतना भी आउटडेटेड नहीं लगता। बाकी पिच अगर बैक साइड की बात की जाए तो बैक साइड से तो इसकी वाकई में प्रीमियम लुक आती है, क्योंकि ये जो इसकी बॉडी है ना, एलुमिनियम और मेटल बॉडी, ये बहुत अच्छी फील करवाती है। मैं इसको बगैर किसी प्रोटेक्टर या कवर के यूज़ कर रहा हूँ तो थोड़े बहुत तो स्क्रैचेस आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं बिकॉज 3 ईयर्स हो गए हैं आप। तो डिस्प्ले की बात की जाए, डिस्प्ले अब इसका थोड़ा सा मुझे ना डल लगता है बिकॉज सनलाइट में ये मार्क आ जाता है, सनलाइट में इतना अच्छा नहीं है डिस्प्ले, लेकिन बट स्टिल गुड डिस्प्ले। तो लुक वाइज तो ये डिवाइस अभी भी वर्थ इट है, आई थिंक सो चल सकता है 2023 में भी। इसके बाद बात की जाएगी इसकी परफॉर्मेंस की, परफॉर्मेंस कैसी देता है ये मोबाइल। तो परफॉर्मेंस वाइज अपडेशन के पहले अगर देखा जाए तो अब तो इसमें iOS 15.7.1 है जो कि लेटेस्ट चल रहा है iPhone 6s Plus के लिहाज से, ये याद रखिएगा, क्योंकि अब iOS 16 ये सपोर्ट नहीं करता, एप्पल ने इसके लिए अपडेट बंद कर दी है। तो मैंने इसको अपडेट किया था iOS 15.7 से iOS 15.7.1 पे, तो मेरी स्टोरेज थी 2.07 गीगाबाइट, जबकि अपडेट के बाद मेरी स्टोरेज है 2.98 गीगाबाइट। तो अपडेट के बाद डेफिनेटली आपको थोड़ी स्टोरेज मिलती है। और तो अब उसके बाद जी इसके एक्सपीरियंस की बात की जाए, यूज़र इंटरफेस की, परफॉर्मेंस की, तो आई थिंक परफॉर्मेंस ठीक है। मैं इसको कॉलिंग के लिए अब यूज़ करता हूँ, मैं इसको सोशल मीडिया ऐप्स वगैरह पे यूज़ नहीं करता, मैं सिर्फ इसको कॉलिंग वगैरह के लिए यूज़ करता हूँ, तो उस लिहाज से इसकी परफॉर्मेंस ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए गेमिंग के लिहाज से, तो अब मैंने इसमें सिर्फ कैजुअल्स गेम खेलता हूँ, पबजी वगैरह बिकॉज मैं डाउनलोड नहीं कर सकता ये, क्योंकि ये 16 GB वेरियंट है, सो दैट्स वाई। लेकिन पबजी वगैरह भी अब इसमें थोड़ी सी लैग करती है, आई डोंट नो वाई, बट अब ये लैग करती है, लेकिन कैजुअल गेम्स ये बहुत अच्छे तरीके से रन करता है, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं गेम खेल रहा हूँ। तो कैजुअल गेम्स के लिए ये ठीक है यार, लेकिन अगर पबजी वगैरह कॉल ऑफ ड्यूटी खेली जाए तो आई थिंक सो थोड़ा सा आपको मसला देखने को मिलेगा। उसके बाद की जाए इसके हीटिंग की, तो हीटिंग प्रॉब्लम यार वाकई में बहुत ज़्यादा है, अगर आप पबजी या कोई भी गेम्स वगैरह या फिर कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर एडिटिंग रन करते हैं तो ये डेफिनेटली ये बहुत हीटअप हो जाता है। और इसकी वजह एक बैटरी भी है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन हीटिंग इशू अब इसमें है। तो अब बात की जाए इसकी बैटरी की, तो बैटरी मैं आपको दिखाता चलूँ, तो इसकी बैटरी है जी 69% पे इसकी बैटरी हेल्थ। तो 3 ईयर्स में यार इतनी ड्रॉप होना तो बनती है, अब ये सर्विस भी है, लेकिन मैं अब बताता चलूँ आपको ये 69% हेल्थ भी ना इसकी अप्रॉक्सीमेटली, अगर आप पावर सेविंग मोड ऑन करके यूज़ करें इसको सिर्फ कॉलिंग के लिए, नॉट फॉर गेमिंग, नॉट फॉर लाइक रेगुलर यूजेज, सिर्फ कॉलिंग वगैरह और मैसेजिंग वगैरह के लिए ये एक दिन आपका इजीली निकाल देगा। लेकिन अगर आप वहीं पर आप इसको यूज़ करते हैं जी, कंटिन्यूस यूज़ करते हैं और कोई गेम्स वगैरह खेलते हैं, डेफिनेटली ये 2 घंटे से ज़्यादा ये आपको बैटरी बैकअप नहीं देगा, जैसे कि आप देख सकते हैं ये लास्ट 10 डेज, ये सारी समरी है जी लास्ट 10 डेज़ की, और जैसे कि आप देख सकते हैं मैं सिर्फ कॉलिंग वगैरह और नॉर्मल यूजेज करता हूँ।
तो अगर आप इसको बैटरी सेवर के बगैर यूज़ करेंगे तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं है, ये बहुत जल्दी बैटरी ड्रेन करेगा। इवन के अगर आप इसको आइडल पोजीशन पे भी रखें, बिल्कुल यूज़ ना कर रहे हो, फिर भी ये बैटरी बहुत ड्रेन करेगा। तो आप इसको प्लीज़ पावर सेविंग मोड के साथ यूज़ करें तो बेटर रहेगा। तो अब बात की जाए इसकी कैमरा क्वालिटी की, तो कैमरा क्वालिटी बहुत ही अच्छी है अभी भी, लाइक इस डिवाइस के लिहाज से अगर हम इसकी लीग में कंपेयर करें तो कैमरा क्वालिटी गुड है। iOS की लीग में कंपेयर करें तो कैमरा क्वालिटी इसकी अच्छी है। आपको पता है आईफोन हमें कैमरास में कभी लेट डाउन नहीं करता, और यही बात है कि आईफोन्स के कैमरा अच्छे होते हैं। किसी भी इसके लीग में अगर हम किसी बजट फ़ोन की कैमरा क्वालिटी देखी जाए तो इसकी कैमरा क्वालिटी बहुत बेहतर है, क्योंकि ये 4K शूट कर सकता है, वो भी 30 फ्रेम पर सेकंड पे और 180p 60fps पे। तो कैमरा क्वालिटी के लिहाज से तो बेटर है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और उसके बाद अगर बात की जाए, तो मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि अगर आप बैटरी में इसको कंपेयर करते थे अपडेशन के पहले, तो ये 7 प्लस को कम्पीट करता था, और 7 और 6S से उसकी बैटरी बहुत बेहतर थी। तो अब कंक्लूजन निकाला जाए इसके पूरे मोबाइल का, तो मेरे ख्याल में ये 2023 में वर्थ इट तो नहीं है, बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है बैटरी के लिहाज से। और अगर स्टोरेज आप 16GB बाई कर लेते तो उसके लिहाज से तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर आप सिर्फ इसको लाइक अ सेकेंड डिवाइस करना चाहते हैं तो आई थिंक सो ये कुछ हद तक वर्थ इट है। अभी मैं इसको सेकेंड डिवाइस के लिहाज से यूज़ कर रहा हूँ, कि सिर्फ मैं कॉल्स के लिए यूज़ करता हूँ और अदरवाइज और किसी चीज़ के लिए मैं इसको यूज़ नहीं करता। तो एज अ सेकेंड डिवाइस ये एक बेटर ऑप्शन है, बट अगर आप वैसे इसको बाय करना चाहते हैं तो मेरे लिहाज में ये वर्थ इट बिल्कुल भी नहीं है। तो अब अभी इसकी अपडेशन बंद हो गई है, और आगे आगे ऐप्स में कुछ बंद भी हो रही हैं, जैसा कि आपको पता है कि जैसे जैसे iOS अपडेट ओल्ड होती जाती है तो ऐप्स उसमें रन होना बंद हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में मैं आपको ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको बाय करें, लेकिन एज अ सेकेंड डिवाइस आप इसको बाय कर सकते हैं। तो ये था मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस लाइक 3 ईयर्स का, जो मैं आपको समराइज करके थोड़ा सा छोटी सी वीडियो में बताया। So hope you guys like this video, and if you like this video please subscribe my channel and comment down below for next videos. और इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। Peace out.